तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्केल अप अकेडमी में। कल मैंने आपको मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको कुछ फिगर्स बताई थी और उनके फॉर्मूले बताए थे, पैरामीटर वगैरह और एरिया वगैरह बताया था। ठीक है, अभी हम 2D पे ही चल रहे हैं क्योंकि जो चैप्टर है आपका 9 क्लास 8 था, इसमें 2D है। ठीक है, 3D नहीं आया था, पर मैंने आपको थोड़ा सा 3D के बारे में कर बताया था। आज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन और कैसे होंगे। एनसीईआरटी आपकी बुक चल रही है। द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। बोला एक टेबल है, ठीक है, जिसका सरफेस ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है कि भाई एक मिनट, इसको अच्छे से शेप कर लेते हैं। एक मिनट, क्या गड़बड़ है ये। हाँ राइट पे, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। तो क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है कि भाई जो शेप है ना टेबल का, जो सरफेस है वो ट्रेपेजियम है। बोलने को स्क्वायर बोल सकता था, रेक्टेंगल बोल सकता था, जो वो बोलेगा वो गोल भी होती है ना सर्कल में, बात आगे समझ में। तो जैसे उसने बोला ना कि द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए क्या है फॉर्मूला ट्रेपेजियम का, याद है कुछ कल बताया था, 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। अब ये बोलोगे ए प्लस बी क्या है, मैंने बताया था ना सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई एच। पैरेलल साइड सब कौन सी होती है, आमने सामने वाली, और ये क्या है नॉन पैरेलल। देखो मैं इनको कितनी आगे बढ़ा दूँ, ये कभी नहीं मिलेंगी, पर इनको बढ़ाऊंगा ये देखो यहाँ आकर ही मिल जाएंगे आगे पास। और वैसे कल मैंने सारा समझाया था, इंट्रोडक्शन दिया था मेंसुरेशन का पूरा, तो आप वहां देख सकते हैं, जिन जो जिस व्यक्ति ने नहीं देखा है वो वहां देख सकते हैं, बाकी आप समझ पाए हो। तो क्वेश्चन ने बोला है फाइंड इट्स एरिया, पहले तो हमको इसका एरिया फाइंड करना है। इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, जो पैरेलल साइड है एक 1 मीटर है और जो दूसरी 1.2 मीटर है, ठीक है ना। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर दो जो साइड्स के बीच में डिस्टेंस है वही अपने आप में क्या होती है, हाइट होती है, इसी को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, बात आ गई समझ में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, आपको समझा दिया था। क्वेश्चन ने बोला क्या हमसे कि एक टेबल दे रखी ट्रेपेजियम में, उसका सरफेस है, उसका एरिया निकालना है, अपने पास दोनों पैरेलल साइड है और डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है दोनों पैरेलल साइड के बीच का, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं हाइट एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद होगा कुछ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वन बाई टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 1.2 प्लस 1 मीटर, यही है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसको यहां से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। 1/2 ए कितना आपका, मैं यहां पे लिख देता हूँ, ए आपका मान लेते हैं 1 मीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी कितना आपका 1.2 मीटर है, और हाइट कितना है आपका 0.8 मीटर है। आप पूरा लिख लेना, तो 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई, मीटर को मीटर में प्लस करोगे आंसर मीटर में जाएगा, मल्टीप्लाई करते तो मीटर स्क्वायर आता है, 1 और 1.2 हो जाएगा 2.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, लगा लीजिए, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 1 0 बढ़ा लेते हैं, अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 के टेबल में 11 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 टाइम्स और 2 के टेबल में 5 टाइम्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। 11 4 जा 44 और 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, तो इसका आंसर आ गया आपका 0.88 मीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं।
एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स लेंथ ऑफ अ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। समझो इस बात को बहुत अच्छे से, क्वेश्चन ने बोला है कि ये पूरा जो एरिया है वो पहले से आपको दे दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ जो बोला है उसने वन साइड, कोई भी एक लेंथ ले देते हैं, वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो बोला है अदर साइड बताइए, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बेहतर से समझ पाए होगे, इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझा सके। यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, क्वेश्चन ने आपको एरिया दे रखा है, अदर साइड निकालनी है तो वही फॉर्मूला इसको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। 1/2 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 10, नीचे वाली साइड इसको मान लेते हैं ए, ये 10 है, ठीक है, और हाइट आपका 4 सेंटीमीटर है, और लास्ट एरिया आपको दे ही रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेहतर समझ पा रहे हो भैया, तो ए कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, बी कितना हुआ आपका एक्स माना था हमने, हाइट कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, और इक्वल्स टू किसके 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ब्रैकेट खोलने के लिए मल्टीपल कर देते हैं, 1/2 की मल्टीपल 10 सेंटीमीटर में करी प्लस एक्स में भी करी मल्टीपल, मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीपल 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 2 के टर्म में कितने टाइम्स आया 5 सेंटीमीटर प्लस एक्स बाई 2 मल्टीपल 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 34, या इसको और शॉर्ट बनाने के लिए देखो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको शॉर्ट करने के लिए मैं इसको यहीं पे कट कर देता हूँ, यानी कि 2 के टेल में 1/2, 2 के टेल में 4 कितने टाइम्स आ जाता है 2 टाइम्स आया था, ये और इजी हो गया बिल्कुल, 2 टेंस। अब इसको यहाँ पर बचा आपका 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 टेंस 20 सेंटीमीटर प्लस 2x इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुआ क्या, 2 की मल्टीप्लाई 10 में करा 20 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई x में करा 2x आएगा, ठीक है। आगे देखो 2x, x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ना है, ठीक है, तो 20 2x में प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 14 बचा, और 1 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर बचा तो सिर्फ सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, और 2 के टर्म में कितनी बार आता है 7 टाइम्स। ओके, x की वैल्यू आ गया आपका 7। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना, हो वैसे भी जाता जैसे मैं पहले करना था, पर वो लेंथ हो जाता हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द लेंथ ऑफ अ फेस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड इज इक्वल टू, देखो एक ट्रेपेजियम दे रखा ए बी सी डी, ठीक है, इसका जो क्या दे रखा लेंथ दे रखा, अच्छा द लेंथ पूरा लेंथ दे रखा, यानी कि पूरी की पूरी इसकी जो फिगर है उसका डिस्टेंस दे रखा 120, यहां से ए से स्टार्ट करा और यहां से चलते हुए सीधे नीचे आए, फिर इस तरीके से सेम गए, जो पूरी फिगर है उसकी लेंथ दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 मीटर। अब क्वेश्चन ने बोला है इफ बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर, बी सी कितना दे रखा है 48 मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं मीटर दे रखा है क्योंकि सब कुछ मीटर में है, सॉरी इसके लिए सॉरी चाहते हैं, इसको सही कर लेते हैं 48, बी सी इक्वल्स टू 48 मीटर, सी डी इक्वल्स टू 17 मीटर, ओके, ए डी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, इस पूरे फील्ड का एरिया बताना है, ठीक है ना, और बोला है साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ऑफ ए डी एंड बी सी, यानी कि जो ये साइड ए बी है ना ये ए डी और बी सी के परपेंडिकुलर है, यानी कि अपने आप में हाइट है।
आपको पता है टोटल 120 है और मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया और 120 में से माइनस कर दिया तो मेरे पास ए बी आ जाएगी। और वही ए बी क्या मेरे पास हाइट है, और अपने पास पैरेलल साइड दे रखी है ना, ए बी सी प्लस ए डी पैरेलल साइड होगी तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम फिर से लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल्स टू 120 मीटर है, तो ए बी सी डी आपका दे रखा 120 मीटर। तो यहाँ पर ए डी कितना आपका, ए डी 40 सेंटीमीटर, बी सी है 48, बी सी कितना है आपका 48, और ये आपका डी सी है 17। तीनों को प्लस कर लेते हैं, यानी कि ए बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 मीटर माइनस 40 मीटर माइनस 17 मीटर माइनस 48 मीटर, तो जाएगा आपका 44 और 48 और 19 और 9 और 8 15। ए बी इक्वल टू 120 मीटर माइनस 105 मीटर, ए बी इक्वल टू 15 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। और ए बी ही अपने आप में क्या है, हाइट है, फिगर की क्या है, हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दो, क्योंकि हमें एरिया तो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, 1/2 ए और बी क्या है आपका 40 मीटर प्लस 48 मीटर मल्टीप्लाई एच कितना निकाला था हमने, 15 मीटर। एक बार को चेक कर लेते हैं, ठीक है डन, बिल्कुल ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 88 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, 15 मीटर, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूला लास्ट में आके वही लग रहा है भाई, घुमा के कितना क्वेश्चन दे रहा है, 2 के डेल में 44 टाइम्स, ठीक है। मीटर की मल्टीप्लाई मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 40 60 और 15 40 60, यानी कि आंसर आ गया 660 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्या पूछा था इसने, एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया कितना है, 660 मीटर स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। अभी क्वाड्रिलेटर दे रखा है, फिगर यहां से देखोगे ना आप इसको, ए बी सी डी, ट्रेपेजियम नहीं है अभी, क्वाड्रिलेटर दे रखा है। तो ए द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर शेप्ड इज 24 सेंटीमीटर। डायगोनल देख रहे हो, जो किसी फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करी वो अपने आप में डायगोनल है, तो डायगोनल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑफ द फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स पे, जो अपोजिट लाइन जा रही है वर्टेक्स पे, तो एक एक लाइन जा रही है 8 सेंटीमीटर की और सेकंड जा रही है 13 मीटर की, ठीक है ना। तो यहां से नीचे की तरफ जा रही है 8 मीटर की और ऊपर की तरफ जा रही है 13 मीटर की वर्टेक्सिस पे। तो आगे बोला फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो आप इस बात को समझो, क्वाड्रिलेटर का मैंने आपको अभी कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं सिखाया, तो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, आप इस चीज को देख पा रहे हो कि एक ट्रेंगल ये बन रहा है और एक ट्रेंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि ट्रेंगल ए बी डी प्लस ट्रेंगल सी बी डी इक्वल्स टू ए बी सी डी, किसके इक्वल्स टू, ए बी सी डी इज अ ए बी सी डी, यानी कि क्वाड्रिलेटर के, यहां क्वाड्रिलेटर लिख सकते हैं। बात आई सुन, दोनों ट्रायंगल को हम जब ऐड करेंगे तो अपना किसके इक्वल आ रहा है, क्वाड्रिलेटर के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, कुछ याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको सिखाया था 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई, बेस का मैं बी ही लिख लेता हूं, बेस मल्टीप्लाई हाइट, और सेकंड वाले ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लो, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, जब आपके पास हाइट हो तब, ए बी सी डी के इक्वल है। 1/2 बेस क्या है, दोनों ट्रेंगल का बेस कॉमन है तो दोनों में 24 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 बेस दोनों का कॉमन है तो 24 मीटर। अच्छा हाइट देख लेते हैं, एक की 13 है और सेकंड की 8 है, फर्स्ट की 13 है और सेकंड की 8 है, इक्वल्स टू किसके आ रहा है, ए बी सी डी के, ठीक है। चलो कट कर लेते हैं, इतना कट जाए, 2 के डेल में 12 टाइम्स, यहां पर भी 2 के डेल में 12 टाइम्स, 12 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 156 मीटर, प्लस 12 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 96 मीटर, इक्वल्स टू ए बी सी डी के इक्वल है। अब इनको प्लस कर दो, 6 और 6 12,
अच्छा 1500 करीबन 260 मीटर, ये क्या आ गया आपका एरिया। अच्छा मीटर स्क्वायर में आएगा भाई, क्यों? क्योंकि इस मीटर की मल्टीप्लाई इसमें हुई थी और इस मीटर की मल्टीप्लाई इसमें हुई थी, दोनों मीटर स्क्वायर में है और मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लगा सकते हैं, तो एरिया आ गया 262 मीटर स्क्वायर। ठीक है चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ आर रोमबस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो मैंने आपको रोमबस के दो फॉर्मूला बताए थे, एक फॉर्मूला था 1/2 × बेस इंटू हाइट। रोमबस समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से फिगर है रोमबस की। अब आपको इसमें डायगोनल्स दे रखे हैं, एक हो गया आपका D1 और एक हो गया आपका D2। ठीक है, जब आपको दोनों डायगोनल दे रखे हो तो आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ रोमबस निकालने के लिए एरिया और रोमबस 1/2 D1 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई D2 डायगोनल 2। अगर रोमबस में डायगोनल नहीं दे रखे होते तो आपको बेस और हाइट दे रखा होता तो आप करते एरिया ऑफ रोमबस बेस मल्टीप्लाई हाइट। बात आगे समझ में, आगे क्वेश्चन आएंगे उनको वहां तब देखेंगे। 1/2 D1 कितना है 7.5, D2 कितना है 12 डिवाइडेड बाय 1। देखो नीचे जिसके कुछ नहीं होता वह 1 होता है, तो 1 लगाया और पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा लिया। अब कट कर लेते हैं, 5 के टेबल में 15 टाइम्स, 5 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम्स, 15 3 = 45। अच्छा एक चीज और देखो, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा आपका एरिया ऑफ रोमबस। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोमबस, रोमबस का एरिया फाइंड करना है, हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। समझना पहले अच्छे से, जो जो हमको दे रखा है उसको फिगर में बना लेते हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी क्या है, अपने आप में रोमबस है, ए बी सी डी अपने आप में क्या है रोमबस है। तो क्वेश्चन ने बोला क्या है, हूज साइड इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि देखो रोमबस की 4 साइड सभी की सभी इक्वल होती है, तो 5 सेंटीमीटर उसकी क्या दे रखी है साइड दे रखी है। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 1.4 मीटर, देखो एल्टीट्यूड यहां से बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एल्टीट्यूड मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, इसकी दोनों कोई भी साइड्स के जो आप एल्टीट्यूड बना लो, इसका मैंने एल्टीट्यूड यहां बना लिया है जिसका हाइट दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन ने बोला है इफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, एक और रोमबस बनाएंगे इसके लिए हम, ठीक है ना, छोटा सा ही रोमबस बनाएंगे, एक और बनाएंगे। इसी में क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसकी एक डायगोनल कितना दे रखा 8 सेंटीमीटर, तो अदर सेकेंड निकालनी है। इस चीज को समझना, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ रोमबस, एरिया ऑफ रोमबस के दो फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट यहीं लिख देता हूं बेस मल्टीप्लाई हाइट और सेकेंड 1/2 × D1 × D2। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना, आपको इस फर्स्ट फिगर में क्या दे रखा है, बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, जो बराबर किसके हैं, इक्वल किसके हैं, 1/2 D1 कितना है आपका 8 सेंटीमीटर और D2 हमें निकालना है। और मैथ्स क्या कहता है कि जिस भी चीज को निकालना है उसको अकेला छोड़ दो, सिंगल छोड़ दो। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, 5 सेंटीमीटर × 4.8 सेंटीमीटर, पॉइंट को हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे इक्वल्स टू 2, इसको डिवाइड करा इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये काम को यहीं पे कर लेते हैं। ये देखिए तो इक्वल्स टू के इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो धरा के क्या करेगा डिवाइड कर रहा है, धरा के क्या करेगा मल्टीप्लाई, और 8 मल्टीप्लाई कर रहा है इसको 1 को, तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड इक्वल्स टू D2। ठीक है चलो अब इसको कट कर लेते हैं, 8 के टेबल में 48 आता है 6 टाइम्स, 5 के टेबल में 1 बार, 5 के टेबल में 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आप 6 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका D2। आगे बात समझ में, एरिया ऑफ रोमबस बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू D1 × D2, दो फॉर्मूले होते हैं रोमबस के। ठीक है अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने बी की मल्टीप्लाई एच में करी
तब भी यही एरिया आया रोमबस का। जब मैंने डी वन की मल्टीप्लाई डी टू में करी तब भी आया। आप बोलोगे सर प्रूफ करके दिखाओ, चलो कर लेते हैं, दोनों सेम है ना। डी टू क्या आपका 6, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई डी वन मल्टीप्लाई डी टू, समझना, 1/2 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, टू के टोटल में कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर निकल गया 24। अब इससे निकाल लेते हैं, देखो एरिया ऑफ रोमबस बेस इनटू हाइट, यानी कि 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर, और आप इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर लेकर आओगे 24 सेंटीमीटर ही आएगा। डायगोनल से 24 और आपका बेस इनटू हाइट से भी 24। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको हाफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 9th क्लास का भी इस पे बैच चल रहा है, 8th का भी चल रहा है, ग्रामर भी चल रही है।